Let's go to Heidelberg. Oh my God, मैं बैल्टी लगाना भूल गई. Super excited. Yeah? Super excited and Yay! कितने महीने बाद जा रहे हैं हम? जब से इंडिया से आए हैं. फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून. जून ऑलमोस्ट एंड हो गया. 4 महीने बाद ट्रिप. Yay! तो मेरे वीडियो बनाने के 2 प्लान हैं. एक तो मैं आप लोगों को जो जर्नी है वो दिखाऊंगी, और दूसरा एक वीडियो में सिर्फ हाइडलबर्ग ट्रैवल का बताऊंगी, तो आपको हाइडलबर्ग भी समझ में आ जाएगा प्लस जर्नी भी समझ में आएगी, तो दोनों चीज़ समझ में आ जाएगी. पर उससे पहले कल के हम एक घटना सुनाते हैं जिससे हमारे जो 50 यूरो हैं वो ठुक गए हैं. कल भयंकर चूना लग गया बिकॉज दीपक ने ऐसी जगह पर गाड़ी घुसा दी थी जहाँ पर सिर्फ लोग जो चलने वाले हैं उन्हीं के लिए अलाउड था, गाड़ियाँ अलाउड नहीं थी, और इसने घुसा दी उसमें, और सिर्फ एक गलती के कारण हमारे 50 यूरो जो हैं वो ठुक गए. लाइक अभी बिल नहीं आया है, पर वो जो भी फाइन है वो हम लोगों के घर पे आ जाएगा. बेचारे पुलिस वाले ने बहुत ही इज्जत से बोला साइड में गाड़ी खड़ी करो, फिर उसने बोला कि अपना कार्ड जो है यहाँ का कार्ड और पासपोर्ट और वो सब दिखाओ. बड़ी इज्जत से सारी चीज़ें लिखी और बोला बाय बाय टाटा, आपके घर पे 50 यूरो का फाइन आ जाएगा. ऐश करो और 50 यूरो का फाइन आ जाएगा. तो देखो ये और हमारा हाइडलबर्ग जो है वो हमारे यहाँ से अराउंड कितने किलोमीटर है? शायद 200 अप्रोक्सीमेट, 180-190 किलोमीटर है. तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे में पहुँच जाएंगे, मतलब 1 घंटा 400 किलोमीटर्स यहाँ का. मतलब हम लोग ने इतने टाइम से एवरेज इतना ही आता है, पर अगर हम लोग इंडिया में भी हम लोग बहुत ट्रैवल करते थे. हम लोग बैंगलोर में रहते थे और हम उसके आसपास बहुत सारी जगह जाते थे, ट्रैवल करते थे. उस टाइम उस मुझे लगता है दीपक 200 किलोमीटर्स हम 3 से 4 घंटे में कवर कर पाते थे. 50-60 किलोमीटर एवरेज मान लो. हाँ, तो 3 से 4, तो वो एक बहुत मेजर डिफरेंस है वहाँ पर. पर वहाँ का एक चीज़ और हुआ करती थी जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वहाँ कहीं पर भी जाना होता था तो सुबह 5 या 6 बजे उठ के जाना पड़ता था, जो यहाँ का केस नहीं है. यहाँ अगर हम लोग 12 बजे या 1 बजे भी निकलते हैं तो इट्स ओके, है ना? इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज सबसे पहली बात तो गर्मी है. दिस इज़ द राइट टाइम, सबसे अच्छा टाइम है यूरोप घूमने का. रात को 10 बजे तक दिन रहेगा. हाँ, 10 बजे तक दिन रहेगा, प्लस धूप भी रहेगी, दोनों चीज़ रहेगी, तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार अब दिन ख़त्म हो गया. तो अगर हम 12 बजे से भी दिन स्टार्ट करते हैं तो भी हमारे पास लाइक 10 घंटे होते हैं घूमने के लिए, और 10 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं घूमने के लिए. और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में गर्मियों में फिर इतनी धूप हो जाती है, 11 बजे के बाद इतनी गर्मी हो जाती है कि वो जो घूमना है वो घूमना नहीं रह जाता, वो एक अत्याचार हो जाता है. तो हम लोग जब भी ट्रैकिंग वगैरह करने जाते थे हम हमेशा सुबह 4 बजे 5 बजे उठते थे, और उसमें दीपक कभी मेरे साथ नहीं जाता था बिकॉज इसे सुबह उठ के भागा दौड़ी करने में बिल्कुल मजा नहीं आता. ऐसे यहाँ पे पार्किंग प्लेस होते हैं हाईवे पे जहाँ पे लोग रुक के अपना ब्रेक ये देखो ये ऐसे होते हैं प्लेस. लगे थक गए थोड़ी देर के बाद आराम से रुको, ब्रेक लो. तो जैसे ही कोई सा शहर स्टार्ट होने वाला होता है उसके पहले ये होते हैं प्लेसेस. तो यहाँ पर वॉशरूम होता है, एक शायद कॉफी प्लेस भी होती है ना, कुछ जगह होती है, बाकी मतलब ऑब्वियसली कुछ जगह होती है, लेकिन मैक्सिमम जगह पर आपको ब्रेक के लिए जगह बना के रखी है. वहाँ पर टेबल वेबल लगा के रखेंगे, आप रुक के बैठ के कुछ खाओ वाओ. सच में ऐसा लग रहा है कि कोई नीचे खड़ा होगा तो उसमें बंदूक की गोली लगेगी, मर जाएगा. अब एकदम से खत्म है. ये है यूरोप का, देखो यार एकदम सूखा, एकदम सूखा आ गया. अभी एकदम फिर बारिश हो जाएगी, फिर सूखा आएगा. देखो ये बारिश के बूंदे हैं. क्या दीपक,
क्योंकि बहुत बारिश हो रही है, फोन में नेटवर्क चला गया है। देखो ये ऐसे हो रही है कि दिख ही नहीं रहा है। और ये नई रोड है, पहले नहीं आया इस पर, तो इसलिए सुन रही बारिश के मजे लोग सर। भूख लगने लगी, मैं जैसे ही बाहर निकलती हूँ मुझे भूख लगने लगती है, मेरी दिक्कत है। घूमने जाती हूँ ना तो मुझे हर थोड़ी देर में भूख लगती है। मैं घर में इतना नहीं खाती, लेकिन मैं बाहर हर थोड़ी देर में कुछ खाती हूँ ना। नूडल्स खाना चल के। हाँ नूडल्स खाऊंगी। ओ माय गॉड, ट्रैफिक बहुत भयंकर लगा हुआ है। कोई ट्रैफिक दिखाते हैं, यूरोप का ट्रैफिक दिखाते हैं। ट्रैफिक जो है 5 मिनट में क्लियर हो गया, तो उसे ट्रैफिक नहीं बोलते। ये नैरो कंजेशन था उसकी वजह से, एक क्योंकि एक लेन बंद है ना कंस्ट्रक्शन। तो ये बस ऐसा लगा हमें कि बहुत भयंकर है, पर ऐसा नहीं है, हो गया क्लियर। तो होपफुली हम लोग पहुंच जाएंगे 3 बजे तक जो दिखा रहा है मैप में। तो अभी हम लोग फ्रैंकफर्ट वाली रोड पर जा रहे हैं, और जब हम लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे तो यहाँ भयंकर उस टाइम पे स्नो हुई थी। मतलब एक पल को तो दीपक को एकदम दिखना ही बंद हो गया था, इतनी भयंकर झप। तो एक्चुअली हम सेम ही जगह से निकल रहे हैं और अब थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। बट हाँ, उस रोड में कोई स्पीड लिमिट नहीं है, जितनी हिम्मत हो चला लो। हाँ, ये ऑटोबान है। ऑटोबान मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जर्मनी लाइक बहुत ही ज़्यादा फेमस है इस चीज़ के लिए कि ये ऑटोबान में कोई स्पीड लिमिट नहीं होती है। तो आसपास के जो भी कंट्री के लोग हैं वो यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं ताकि भयंकर चलाई जाए। देखो हम अभी 130 पे चल रहे हैं, 135 पे, और ये देखो गाड़ी हमारे बगल से कैसे भाग रही है। मतलब ये तो कम से कम 200 पे चल रही होंगे। एक्सीडेंट हुआ है शायद। अब मैं आपको थोड़ा देखो, ये अलाउड है क्या यहाँ पर? और बहुत भयंकर ट्रैफिक हो रहा है। आई डोंट नो कहाँ था पर भयंकर। ओके, तो कुछ तो एक्सीडेंट हुआ है पीछे उसकी वजह से। और मैं पहली बार ऐसा किया है मैंने कि मैं रोड पे नीचे उतर के और वीडियो ले रही हूँ और सब लोग मुझे देख के हंस रहे थे। ऐसे ही होते हैं, सबको इंटरेस्ट है। तो ये इंटरेस्ट है कि चल क्या रहा है यहाँ पर। गाड़ी ठुकी 100% मुझे दिख रही है ना। हाँ, तभी तो एम्बुलेंस गई फिर पुलिस गई। अब बस अब थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। दिख रहा है ना वो लोग बगल में खड़े, मैं उन्हें दिखाऊंगी नहीं। एक अंकल और आंटी, वो पहले मुझे देख के हंस रहते हैं क्योंकि मैं बाहर निकल गई थी, और फिर उन्होंने देखा अरे सब तो निकल रहे हैं, ये भी निकल गई, तुम तो खुद भी निकल के बाहर हो गए। मैं दीपक से कह रही थी दीपक ये मुझे ऐसे रिएक्ट क्यों दे रहा है। इस रोड पर लाइन लगी हुई है जनता की, देखो बाहर खड़े हैं सारे के सारे। सब बाहर खड़े हो गए क्योंकि अभी पता नहीं कब तक ये लोग, अभी पुलिस आई है फिर वो एम्बुलेंस आई है, अभी पता नहीं कितना टाइम और लगेगा टू क्लियर द ट्रैफिक। अब दीपक बाहर जा रहा है, दीपक वहाँ से एम्बुलेंस निकल रही है। प्लस यहाँ पर ना इस पर्टिकुलर एरिया में एम्बुलेंस के लिए पुलिस की गाड़ी के लिए जगह दी हुई है, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि डिस्टेंस होता है दोनों गाड़ियों के बीच में, ताकि अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो आराम से दूसरी गाड़ियाँ निकल जाएँ। ऐसा नहीं होता जैसे हमारे यहाँ एकदम बिल्कुल घस घस के खड़े हो जाते हैं ना जब ट्रैफिक होता है और एम्बुलेंस को जाने के लिए जगह ही नहीं होती। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, प्रॉपर है स्पेस ताकि एम्बुलेंस जा सके। और अब देखते हैं यार कितना टाइम, आई डोंट नो, हम लोग शायद 20 मिनट से खड़े हुए हैं अभी, पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं यार, बहुत
गई है। दीपक बोल रहा है कि अभी पहले वो लोग मेरे लिए तो मेरे लिए तो यूरोप का सबसे बड़ा एडवेंचर यही हो गया, ऑटो वन पे खड़े होना। अभी ये लोग पहले पूरा क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर हम लोगों को अलाउ करेंगे जाने के लिए। पर कैसा मजा आ रहा है ट्रैफिक में खड़े रहने। बेचारा कोई निपट तो नहीं गया, मैं तो ये सोच रहा हूँ तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है। पहले एम्बुलेंस आई, फिर पहले पुलिस आई, फिर एम्बुलेंस आई, अब वो गाड़ी उठाने वाली गाड़ी आई है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है और कम से कम 4-5 एम्बुलेंस आ चुकी है, पुलिस की गाड़ी आ चुकी है और सब लोग खड़े हुए हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। दोनों दीपक बाहर खड़ा हुआ है और मैं अंदर बैठी हुई हूँ आप लोगों को अपडेट देने के लिए। अब देखते हैं कब तक करने के बाद, उसके ऊपर चढ़ने के बाद, वीडियो लेने के बाद जो यहाँ पर अलाउड नहीं है, अब हम लोग निकल रहे हैं। ये देखो अब एकदम से सारी गाड़ियाँ चलने लगी। गाड़ी में मतलब पीछे से गाड़ी ठुकी और गाड़ी जो पीछे से सिर्फ क्रश हुई है, किसी को ज़्यादा चोट वोट नहीं आई है और उससे भी इतना ट्रैफिक हो गया यहाँ पर। पर इंसान की जान की कीमत बहुत है यार। हाँ, तुरंत वो लोग आए एम्बुलेंस और सारा, जैसे ही पता चला एक्सीडेंट का तुरंत सब कुछ आए ताकि किसी को चोट लगी हो तो तुरंत उसका एक्शन लिया जाए, तुरंत पुलिस वाले आए ताकि वो नोट करें कि क्या है, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। उसके कारण हमारा जो है वो 1 घंटा जो है वो उसके कारण हमने वो कर लिया जो हम कभी नहीं करना। मतलब हाईवे पे ऑटोबान पे खड़े होना रोड के ऊपर, मतलब आई डोंट नो आप में से किसी ने किया हो या ना, बट हमने तो शायद एक टिक लिस्ट जो होती है ना जो कभी पूरी नहीं हो सकती वो कर ली है ना। डिवाइडर पे बैठ के फोटो खींच लिए, खड़े होके मैंने वीडियो भी ले लिया। सोचो ये इंडिया में तो बड़ा कॉमन है पर यहाँ बड़ा ही विचित्र चीज। पहले तो हमें शर्म आ रही थी कि यार लोग पता नहीं क्या कहेंगे, हम थोड़ा झिझके, फिर हमने बोला यार ठीक है लोग कहेंगे तो बोल देंगे यार हम तो यूट्यूब के लिए कर रहे हैं। हमारा देखा देखी जनता सब खींचने लग गए फोटो, सब बैठ गए। तो इस चीज से हमें एक चीज पता चली कि सारे दुनिया में लोग जो होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं, वो झिझकते हैं। अगर वो काम पहले और कोई कर ले तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, यार ये कर रहा है या ये कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। चलो गाइस अब हम शायद आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, बहुत हुआ ज्ञान, अब हम आपको दिखाएंगे। हाय दिलप, पहुंच गए और सबसे ज्यादा मुझे तो यहाँ पर लैंडस्केप एकदम डिफरेंट ही लग रहा है, बिल्कुल पूरा पहाड़ी पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़। अब अंदर जाएंगे सिटी में तो पता चलेगा, बट यहाँ पर बोलते हैं ये मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज वर्ल्ड की, लाइक वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल सिटीज में से एक है। तो देखते हैं हम लोग भी अपना बताएंगे कि हमें उतनी सुंदर लगी या नहीं लगी, पर अभी अपन चलते हैं और फिर अंदर घुस के और सिटी के बारे में बात करेंगे। बहुत हिस्ट्री बहुत है इसकी, है ना। हाँ, हिस्टोरिकल चीज़ें बहुत हैं, तो हम जैसे जैसे चीज़ें कवर करते जाएंगे हम उसके बारे में आपको बताते जाएंगे। बट ये बहुत पुरानी, लाइक किसे बोलते हैं ओल्डेस्ट सिटी, ओल्डेस्ट सिटी जर्मनी की ओल्डेस्ट सिटी। तो आज आप लोगों को, बिकॉज ये हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, 200 किलोमीटर्स दूर था और प्लस हम लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे बट somehow मौसम के चक्कर में, इसके चक्कर में, उसके चक्कर में नहीं आ पा रहे थे। हाइडलबर्ग बिकॉज टूरिस्ट प्लेस है तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, प्लस समर्स हैं तो ऑब्वियसली इस वजह से हमें वेटिंग है। अब जब एक गाड़ी निकली अभी अभी, अब हम लोग स्लिप निकालेंगे और फिर अंदर जा पाएंगे, तो हम अभी वेट कर रहे हैं क्योंकि एक गाड़ी निकली। आई थिंक अब निकल जाना चाहिए। यहाँ पर नहीं आना है उसे, वहीं पर बहुत अच्छा लग रहा है पानी पहाड़ देख के, वो यहाँ नहीं आना चाह रहा है। आ जाओ दीपक। एंड मैंने शायद बहुत कम बार दीपक को अपने फोन से फोटो या कुछ लेते हुए देखा है।
He's doing that. Guys, मैं आपको बता नहीं सकती, ये जगह बहुत सुंदर है. लाइक मुझे फील नहीं आ रहा है कि ये ओल्डेस्ट सिटी है, बट इट्स ओल्डेस्ट सिटी. द फील इज लाइक कि ये मतलब बहुत ज़्यादा टूरिस्ट दिख रहे हैं, लोग भरे पड़े हुए हैं, और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ के लोग हैं. बॉडन वर्टम्बर्ग एंड जर्मनी के लोग हैं. तो कौन सा सिर्फ 2 मिनट चले और थक गए क्योंकि एकदम ऐसा है रास्ता. अरे भैया ऐसा क्यों, क्योंकि थक गए यार. हम कितने चले होंगे दीपक, 5 मिनट भी नहीं चले. और देखो ऊपर आ गए नीचे, पर देखो अब यहाँ से चलना है और फिर आपको दिखाते हैं हेवन. ये सोचते होगे ना यूरोप में घूमना बहुत इजी है, ये देख लो व्यू लेने के लिए इतना चढ़ना पड़ता है उसके बाद व्यू मिलता है. हाँ, और मैं कार्डियो कर करके थोड़ी मजबूत हो गई हूँ तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आ रही है. वैसे तो दीपक को भी नहीं आ रही, पर मैं थोड़ी लुल थी इसके चलेंगे नहीं. हाँ वही, और ये एकदम ऐसा है यार, मैं पता ऐसा दिल बाहर आ जाएगा मेरा. ये भगवान, सॉरी गाइस. जो मोस्ट ऑफ द एरियाज है वो फॉरेस्ट से कवर है. दीपक तुम्हें याद पता है ब्लैक फॉरेस्ट भी इसके बहुत पास में जगह है. लोगों को ऐसा मिसकंसेप्शन होता है कि जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो हाइडलबर्ग में ही है, कार्लसरूए के पास में. हाँ, तो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, बट ये बहुत ज़्यादा जो फॉरेस्ट है उससे कवर्ड है. तो आपको दिख ही रहा होगा चुड़ैल भागती हुई आ रही है. अभी आपको दिखेगी काली चुड़ैल. यहाँ सफ़ेद चुड़ैल नहीं होती, यहाँ काली चुड़ैल होती है. चुड़ैल सफ़ेद होती है, कपड़े काले पहनती है. हमारे चुड़ैल सफ़ेद कपड़े पहनती है. अच्छा, और यहाँ यहाँ पर काले. अच्छा, क्योंकि अच्छा ये देखो भाई साहब बहुत मजबूत होगी यार. सच में हम लोग चल नहीं पा रहे, वो दौड़ रही है. वाओ, चलो चलते हैं दीपक. फिलोसफी एंड वैग, मतलब फिलोसफी वाला रास्ता. इस पे मतलब हाइडलबर्ग को देखो. रुको, हाँ, इस पे वॉक करो आराम से, टॉप व्यू से हाइडलबर्ग को देखो, रिलैक्स वॉक करो, काम वॉक करो आराम से पेड़ों के बीचों बीच. तो इस पर्टिकुलर वैग मतलब जगह का मतलब वही है कि फिलॉसफी वाला वैग. हम भी कुछ फिलॉसफी वाली बातें करते हैं. व्हाट इज फिलॉसफी पर पता नहीं यार. And we are signing off. Bye bye. Take care. Oh, sasta hai to. जाने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना. सब्सक्राइब बटन दबाने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो ये रेड बटन है ये क्लिक करनी है. इन केस आपने गूगल अकाउंट से लॉगिन नहीं किया है तो लॉगिन कर लेना. वो आपसे आपका बेसिकली यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, जिसमें डरने की कोई बात नहीं. अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपने सब्सक्राइब कर लिया, मतलब ग्रे बटन दब गया. और हाँ, ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको मेरे वीडियोस कब आए ये पता ही नहीं चलेगा. तो जो बेल की घंटी है वो जरूर दबाना और लाइक करना मत भूलना गाइस.